हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस डोनट्स। तो आज हम इसे एगलेस बना रहे हैं और आज हम इसे विदाउट टेस्ट भी बना रहे हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है, तो बस आपको आपको इस रेसिपी को फॉलो करना है और आपके परफेक्ट मैकडोनल्ड्स जैसे डोनट्स बन के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं। तो बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और जैसे कि सबको पता है बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक भगोना लिया है, इसके ऊपर मैंने एक छन्नी रख दी है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, आधा कप पिसी हुई चीनी, नॉर्मल मैंने चीनी को पीस लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। इसमें हम ऐड करेंगे 2 पिंच जितना नमक। यहाँ पे आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि नमक डालने से हमारे डोनट्स नमकीन हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, आप यहाँ पे पिघला हुआ बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स कर लेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं आज हम इसे एगलेस बना रहे हैं और विदाउट टेस्ट बना रहे हैं, तो इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाने के लिए हम इसमें डालेंगे फ्रेश दही। आज हम दही से आटा लगाने वाले हैं डोनट्स का, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें आटा इसका एक रोटी जैसा आटा गूंद के रेडी करना है। और ये देखिए बिल्कुल हमारा आटा बन के बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इसे थोड़ा सा स्मूदन कर लिया है। तो यहाँ पे एक मलमल के कपड़े से मैं इसे ढक के रख दूँगी 1 घंटे के लिए गर्म जगह में। ये देखिए 1 घंटा हो चुका है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसका खमीर जैसा हम ईस्ट के बनाते हैं डोनट्स, बिल्कुल उस तरीके से ये हो गया है। और आपने देखा ये साइज़ से डबल भी हो चुका है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे थोड़ा सा ऊपर से सॉफ्ट करना है, बिल्कुल भी जोर ना लगाए वरना जो हमारे एयर बनी है वो सारी निकल जाएगी। तो थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलना है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और हमारे डोनट्स बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो जाएंगे। जब हम आटा इसको थोड़ा सा मथा रहे हैं तो बिल्कुल ही हल्के हाथों से हमें इसे स्मूथ करना है, और जब हम बेल रहे हैं तो भी बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। तो आज हम डोनट्स बनाने के कोई भी मोल्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक ग्लास और एक ढक्कन यूज़ कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल इस थिकनेस का हमें डोनट्स रखना है। और ये देखिए इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। आपके पास जो भी ग्लास अवेलेबल हो, घर में स्टील की ग्लास नॉर्मल, आप उससे कट कर सकते हैं। और ये देखिए बीच में होल बनाने के लिए मैंने एक बॉटल के कैप का यूज़ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं विदाउट मोल्ड बता रही हूँ, तो जिसके पास मोल्ड नहीं है वो भी इजीली डोनट्स बना सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे डोनट्स के शेप आए हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम हमारे बचे हुए डोनट्स भी बना के रेडी कर लेंगे। और दूसरी साइड पर मैंने तेल गरम चढ़ा दिया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि तेल ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा। और ये देखिए मेरा मीडियम हॉट तेल था, तो मैंने इसमें डोनट्स डाल दिए हैं। तो एक टाइम में जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो आप उतने ही डोनट्स डालें, क्योंकि डोनट्स फूलेंगे भी। और ये देखिए वाह, कितने अच्छे से हमारे डोनट्स फूल चुके हैं, बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इस स्टेज पे भी आप फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखें, हाई ना करें। और देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, वाओ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम हमारे बचे हुए डोनट्स भी फ्राई कर लेंगे। तो बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अगर आपका तेल ठंडा हुआ तो आपके डोनट्स
पूरे बिखर जाएंगे और ज़्यादा गर्म हुआ तो अंदर से नहीं सिकेंगे, तो बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आज वाइट चॉकलेट यूज़ नहीं कर रही हूँ, मिल्क की बार यूज़ कर रही हूँ और मिल्क कॉम्पाउंड है, इसमें बिल्कुल उबलता हुआ मैं दूध डाल रही हूँ और इसको मेल्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल दोनों चॉकलेट्स को मैं इसी तरीके से मेल्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं मिल्की बार का इसीलिए यूज़ कर रही हूँ कि क्योंकि सबके पास मिल्क कॉम्पाउंड अवेलेबल नहीं होता है, और मिल्की बार तो हर जगह मिल जाता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने डोनट्स को डिप करके बिल्कुल इस तरीके से हमने बना लिया है। तो आज हम इसे बिल्कुल मार्केट स्टाइल बना रहे हैं, तो मैं इसे अच्छे से यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट और चॉकलेट में इसको डिप कर लिया था। तो आज मैंने मिल्की बार यूज़ किए इसलिए आप देख सकते हैं कि ये इतना अच्छे से कोट नहीं हुआ है, लेकिन मिल्की बार से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल हमें वाइट कॉम्पाउंड जैसा टेस्ट आ जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा चॉको चिप्स के साथ डेकोरेट कर लिया है, और यहाँ पे मैं चॉकलेट वाले को थोड़े से कलरफुल शुगर चॉकलेट्स के साथ इसको डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कलरफुल चीज़ें। तो ये देखिए मैं अलग अलग शेप्स के जो शुगर चॉकलेट्स आती है तो बस बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाती है, तो उससे मैं डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से सिल्वर पर्ल्स थे, तो हम इस तरीके से इन सबको डेकोरेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सिंपल नारियल के बुरादे से भी इसे लपेट सकते हैं, और या फिर वो भी ना हो तो आप यहाँ पे चीनी का पाउडर जो है छन्नी में डाल के वो भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये डोनट्स खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं, और आप देख ही सकते हैं कि ये कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके डोनट्स कैसे बने। फ्रेंड्स मेरे तो डोनट्स बिल्कुल रेडी है, और मैंने बहुत ही अलग अलग तरीके से इसको डेकोरेट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊंगी कि हमारे डोनट्स कैसे लग रहे हैं। वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक बार आप इस डोनट्स की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें, और यकीन मानिए फ्रेंड्स घर पे सबको पसंद आने वाले हैं ये। तो फ्रेंड्स ऐसी और रेसिपीज़ के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।